हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, अरे ये क्या गया, नागिन एडवर्ब समझ नहीं आ रहा हुआ ना। आएगा आएगा, सब आएगा। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडवर्ब। ठीक है, तो बोले सर एडवर्ब में नागिन कहाँ से आ गई? आएगी अभी, है ना, आपको सब समझ में आएगा। आज का बदला मैं बस लूंगी, छेड़ न मुझको मैं डस लूंगी, समझे? जंतर मंतर जादू टोने, ये हैं मेरे खेल खिलौने। ठीक है, ये जो जंतर मंतर है ना, ये सब मेरे खेल खिलौने ये हैं। जादू मंतर, इसको मैं उंधा भी कर दूँ ना, हल्के में नहीं लेने का क्या? तुझ पे चलेगा ना जोर मेरा, मैं नागन तू सपेरा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये एक्चुअली बहुत टफ है ना, लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो बहुत आसान है, अभी आसान कर देंगे, ये लोगों के लिए बहुत टफ है। बोले सर एडवर्ब बहुत खतरनाक है, सर एडवर्ब समझ में नहीं आता है। सब समझ में आएगा, देखो एडवर्ब क्या होता है। सबसे पहले आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, वो आपको एडवर्ब के अंदर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, एडवर्ब एक चैप्टर है पूरा, लेकिन इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। और वो जो कॉन्सेप्ट है वो पहले मैं आपको उसके क्वेश्चन बताऊंगा। अब क्वेश्चन देखिए, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया श्रीदेवी, अभी श्रीदेवी आई थी ना, नागिन मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, तो श्रीदेवी डांस्ड ब्यूटीफुली इन लंदन यस्टरडे। अगर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये जो ब्यूटीफुली है ये क्या है, इस सेंटेंस में ये एक नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, या ये वर्ब है, ये जो आज आज आप पढ़ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, ठीक है? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है ना। ये पूरा आपके कोर्स में सिस्टमेटिक करवा रखा है मैंने, एक एक चीज, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब सब, है ना। अभी एडवर्ब के नए वीडियो आ जाएंगे अब, है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपका, अब मुझे बताइए ब्यूटीफुली क्या है? आप अपना जवाब अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस सेंटेंस में जो लंदन है, ये लंदन क्या है? लंदन तो आप आराम से बता देंगे, आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, सर ने पढ़ाया होगा कि बच्चों नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो आप आराम से बता सकते हैं लंदन क्या है, ठीक है, लिख लिया कॉपी में आंसर। तीसरा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भैया ये जो यस्टरडे है, ये यस्टरडे क्या है, तो बताइए आपका जवाब क्या होगा? नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, या फिर वर्ब होगा? अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बाद में इनके आंसर आप खुद बताएंगे, ठीक है, लिखे आपने, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पे आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, वो क्या है पता है? वो है एक सेकेंड, देखिए एडवर्ब में, एडवर्ब में आपको तीन चीजें बताऊंगा मैं आपको। एडवर्ब ऑफ, एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, और तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। बोलो बात समझ में आ गई? तो इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है। लेकिन उसके पहले सर ये बताओ कि एडवर्ब क्या होता है? तो देखिए एडवर्ब जो होता है ना, तो वो जो होता है कि एडवर्ब डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब। सबसे पहले जो एडवर्ब होता है ये एक वर्ब की क्वालिटी बताता है, उसके बाद में ये एक एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है, उसके बाद में ये खुद एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, उसके बाद ये किसी प्रिपोजिशन की क्वालिटी बताता है, और उसके बाद ये किसी सेंटेंस की क्वालिटी बताता है। मतलब ये इतने सारी चीजों की क्वालिटी बताता है। जो एडजेक्टिव होता है उसके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। जो एडजेक्टिव होता है वो केवल नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन ये जो एडवर्ब होता है ये वर्ब की विशेषता बताता है। वर्ब की कैसे बताता है सर? देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा कि राम प्लेज वेल, ठीक है, दूसरा सेंटेंस में लिखा कि राम इज अ वेरी गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहां पर एडवर्ब की विशेषता बतवाते हैं इससे, राम प्लेज वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। और फिर प्रिपोजिशन और सेंटेंस को बाद में डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कर ही लेते हैं। द बर्ड इज फ्लाइंग एग्जैक्टली ओवर द रूफ,
ओवर द रूफ। और अगला सेंटेंस है, किसी सेंटेंस की विशेषता बताता है, अनफॉर्चुनेटली। समझना इसको, सब समझ में आ जाएगा, इस वीडियो के खत्म होने से पहले समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई लॉस्ट द कार, मैंने मंत्र कर रखा है इसके ऊपर, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले किसकी विशेषता बताता है, वर्ब की। राम प्लेज, ये प्लेज क्या है, ये प्लेज एक वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता यहाँ पे कौन बता रहा है, वेल। राम खेलता है, मैंने कहा कैसा, बोले वेल, बढ़िया खेलता है। तो ये वेल आपका क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये विशेषता किसकी बता रहा है भैया, ये प्लेस की विशेषता बता रहा है। दूसरा, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। इस पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है, बताया गुड, क्योंकि राम इज अ गुड बॉय, तो बॉय तो नाउन हो गया, और गुड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। अब इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, पता है, ये वेरी वेरी गुड बॉय, मतलब बॉय तो नाउन हो गया, जैसे मैं बॉय हूं, मैं नाउन हूं, और मैं कैसा हूं, बोले गुड, तो गुड है नाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, वेरी गुड, तो ये वेरी आपका एडवर्ब हो गया। तीसरा, एडवर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब की कैसे, राम प्लेज वेरी वेल, तो राम प्लेज, प्लेज तो आपकी वर्ब हो गई। अब राम प्लेज, राम खेलता है, मैंने पूछा कैसा, बोले वेल, अच्छा, तो ये वेल आपका क्या हो गया, ये वेल हो गया आपका एडवर्ब, समझे, ये वेल जो है ये एडवर्ब हो गया। अब ये वेरी किसके लिए आ रहा है फिर, तो राम प्लेज वेल, प्लेज वर्ब हो गई, वर्ब की विशेषता बता दी एडवर्ब ने। अब वेल की विशेषता कौन बता रहा है, ये वेरी बता रहा है, तो ये वेरी भी आपका एडवर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस में दो एडवर्ब हो गए आपके, एक ये वेरी हो गया, दूसरा आपका वेल हो गया, समझ में आ रहा है। तीसरा, प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, द बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड उड़ रहा है, एग्जैक्टली ओवर, ओवर क्या है आपका प्रीपोजिशन, तो जैसे सामने वाला बोल दे कि ऊपर उड़ रहा है, लेकिन उसने बोले एग्जैक्टली ओवर द रूफ, तो ये जो ओवर है ये प्रीपोजिशन है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, एग्जैक्टली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बोलो, बात समझ में आ गई, जितने भी गोले बना रहा हूँ सब एडवर्ब है। ये वेल इसकी विशेषता बता रहा है प्लेस की, और ये वेरी वेल की बता रहा है, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, एडवर्ब की वापस से एडवर्ब बताता है, यहाँ पे एडजेक्टिव की एडवर्ब बता रहा है, यहाँ पे वर्ब की एडवर्ब बता रहा है, और इसमें ये देखिए अनफॉर्चुनेटली ये एक पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, आई लॉस्ट द कार, ठीक है। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो है ये आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब। तो पहले तो ये बताओ सर, एडवर्ब क्या होता है, तो एडवर्ब डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ में आया, वर्ब की विशेषता वेल बता रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, यहाँ पर एक एडवर्ब की बता रहा है, और ये वर्ब की बता रहा है, और ये एडवर्ब की बता रहा है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन की बता रहा है, और ये एक सेंटेंस की बता रहा है, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ाएं, अब वो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, इसमें क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है कि बताओ इन 1 2 3 4 5 सेंटेंस में मिला के कितनी एडवर्ब है। तो मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 6 एडवर्ब है, समझ गए, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है एडवर्ब। अब एडवर्ब के अंदर फिर हमने तीन चीजें पढ़ी कि भैया एडवर्ब ऑफ क्या क्या पढ़ा हमने, ये देखो हमने पढ़ा कि ये जो एडवर्ब होता है इसमें फिर आता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ, रुको ऊपर मैनर था, वह चलो यहाँ लिख देते हैं, हालांकि इनका एक क्रम होता है ना, तो एक काम करते हैं वापस से लिखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखो यहां से आपका एक कंफ्यूजन क्लियर होगा, सबसे पहले यहां पे डांस करा है, किसने डांस करा भैया, बोले श्रीदेवी ने, श्रीदेवी ने डांस करा, डांस्ड, तो ये डांस आपकी क्या हो गई, समझ जाओ भावनाओं को समझ जाओ, डांस क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई, भैया श्रीदेवी ने डांस करा। तो अब क्या हुआ कि अमरीश पुरी साहब ने पूछा, ये बीन बजाने आएंगे वहां पे, है ना, मालूम है ना वो पिक्चर देखी ना ऋषि कपूर की, ये इनको पता चलता है कि भैया वो जो श्रीदेवी है ना वो नागिन है ना, और इसकी जो ये श्रीदेवी रहती है ना, इसकी सास बड़ी परेशान करती इसको वहां पे, तो परेशान करती है, तो एक दिन रात को क्या हुआ, सास उठती है तो उठ के देखती है कि बहू क्या कर रही दिखे, तो रात देखती है तो बहू जो है वहां पे रात को ऐसे 2 बजे नागिन डांस कर रही हो, ये को धीरे 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 एकदम से नागिन बन जाती है, बस उसके बाद फिर ये जाती है सासू जी के पास, सासू जी चाय बनाओ, ए बेटी तू दूर रहे, पता नहीं कहने कहाँ जहर मिला देगी अभी, बोल बेटी मैं बनाती हूँ तेरे लिए चाय, हाँ फिर पता चलता है सासू जी को, समझ गए। तो यहाँ पर अब श्रीदेवी ने डांस करा, तो ये डांस तो आपकी हो गई वर्ब। अब यहाँ पे देखिए, डांस्ड ब्यूटिफुली,
अब ये ब्यूटीफुली किसकी विशेषता बता रहा है? ये ब्यूटीफुली विशेषता बता रहा है डांस की। बोले डांस करा, तो इसने पूछा कि यार कैसा करा, हाउ, और बोले कि ब्यूटीफुली करा, बहुत अच्छा। यहां पे ब्यूटीफुल क्यों नहीं आया? क्योंकि ब्यूटीफुल तो ये है, श्रीदेवी ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका जो डांस है वो ब्यूटीफुली है, क्योंकि डांस वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा, ये एडवर्ब है, समझ गए? तो डांस किया, कैसा किया? बोले ब्यूटीफुली, तो ये ब्यूटीफुली कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर आपसे पूछ ले कि भैया ब्यूटीफुली क्या है, तो हम कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब ब्यूटीफुली डांस ब्यूटीफुली करा, फिर क्या आया था? बोले कि कहां पे करा? बोले इन लंदन, इन लंदन। अब आपसे पूछ लिया कि भैया ये लंदन क्या है, तो ये लंदन यहां पर लंदन किसके बारे में बात कर रहा है, श्रीदेवी के बारे में कि या डांस के बारे में? बोले कि श्रीदेवी ने डांस करा, कहां पे करा, वेयर, तो ये जो वेयर है, बोले भाई साहब वहां करा इंदौर में। तो अगर आपसे पूछ ले कि इंदौर क्या है, तो लोग बताएंगे कि इंदौर नाउन है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, बोले नाउन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है यहां पर, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कहां पे, डांस, जैसे डांस वर्ब हो गई, तो वर्ब की विशेषता एक तो ब्यूटीफुली बहुत जोरदार करा, कहां पे करा भाई साहब? बोले वहां लंदन में करा। अच्छा कब करा? बोले यस्टरडे, यस्टरडे। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताओ ये यस्टरडे क्या है, तो यस्टरडे मतलब कल, तो ये कल किसके लिए आया? डांस के लिए। तो डांस कब करा भैया? यस्टरडे। वेन, तो यहां पर आप देखिए हाउ, वेयर और वेन, ये तीनों होते हैं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसा करा? बहुत जोरदार। कहां पे करा? प्लेस इंदौर। और कब करा? बोले यस्टरडे। तो अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बात डांस की हो रही है। और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, ये तीनों एक क्रम में होना चाहिए, पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आगे पीछे लिख दो कि श्रीदेवी डांस ब्यूटीफुली यस्टरडे इन लंदन। अब एग्जाम में अगर एरर आ जाए आपके कि वो मेरे को बार बार वो सेंटेंस वो याद आता है, श्रीदेवी डांस्ड ब्यूटीफुली, और फिर आ जाए यस्टरडे इन लंदन, तो उसको बोलेंगे भैया एरर है, पहले इन लंदन आएगा फिर यस्टरडे आएगा, पहले पहले मैनर आएगा, कैसा करा, कहाँ करा, कब करा, समझ गए? तो ये इस प्रकार से होता है। बोलो बात समझ में आया कि ये अब नागिन और अमरीश पुरी यहाँ पे क्यों आए थे, ये आपको समझाने आए थे कि क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन आया कि भैया श्रीदेवी डांस्ड ब्यूटीफुली, तो मैंने कहा डांस की विशेषता बता रहा है, डांस वर्ब है, इसलिए ये आपका कहलाएगा एडवर्ब। बहुत शानदार। बोले लंदन, तो लंदन तो दुनिया लगाएगी नाउन, लेकिन लेयर थ्री वाले क्या लगाएंगे? एडवर्ब। इसके बाद यहां पे देखो यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? बोले यस्टरडे किसके लिए आ रहा है? डांस किया कल, तो डांस वर्ब है, तो एडवर्ब। बोलो बात समझ में आ गई? देखो पढ़ा हुआ अगर होता है ना सिस्टमेटिक, तो अभी आप अभी ग्रेड वन का एग्जाम हुआ था, उसमें लोगों के 1.5 घंटा बच गया। बोलो आप 1.5 घंटा कभी बचता है? आज तक सुना आपने कि 1.5 घंटा बच गया एग्जाम में, और वो भी इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में। क्यों बच गया? क्योंकि जैसे आया क्वेश्चन के क्वेश्चन छप गए वहां पे, ऐसे के ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठा के ना एग्जाम में आ गया। तो 1.5 घंटा बच गया, और 5 सेकेंड में आंसर लगाए लोगों ने, 5 सेकेंड में, और स्कोर किया हाईएस्ट 134 आउट ऑफ 150। पढ़ना पड़ता है, पढ़ोगे तो सब होगा। अब जो लोग वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग दो की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पीएनएसटी आबकारी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें अगर आप बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए आप पढ़े लिखे हैं, तो इंग्लिश आपको बेसिक से आना चाहिए। अगर नींव मजबूत होती है ना, तो दीवार फटाफट खड़ी हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा इधर से करा, थोड़ा उधर से करा, वैसा नहीं, एक एक जैसा करो सिस्टमेटिक। तो लेयर थ्री एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो, और वहां पे शानदार कोर्स बाय करो, और सिस्टमेटिक पढ़ो एक बार जीवन में, है ना? लेयर थ्री एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें स्टोर ऑप्शन आएगा, वहां से कोर्स बाय कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो 9977651282 इस पे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप, अगर समस्या आए तो। अदरवाइज आप जाके डायरेक्ट वहां पे बाय कर सकते हैं। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समय बचेगा, ठीक है? और अगर हर महीने खाते में तनख्वाह आ रही है जिंदगी भर 40-50 हज़ार रुपये, और उसके लिए अगर 1000-1500 रुपये लगाने पड़े, तो ये कोई आपका खर्चा नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? और हमको भी इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप समझ सकते हैं सारा तामझाम
ये इसका पैसा आपसे ही लेना पड़ेगा, कहाँ से लेके आएंगे, है ना। तो इसलिए छोटा, और फीस लेयर थ्री की बहुत कम है, सबसे कम हमने रख रखी है, बाकी आप देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, श्रीदेवी का गाना कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।